रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 की पावर 1 बाई 3 प्लस 5 की पावर माइनस 1 बाई 3, ठीक है। तो इसके लिए अपने को रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर अपन देखो तो ये क्या है, 5 की पावर 1 बाई 3 प्लस 5 की पावर माइनस 1 बाई 3। अब अगर अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बोले तो ए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ए क्या है, यहाँ पे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर अपन ए प्लस बी के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर्स देखें, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, यहाँ पर रैशनल वैल्यू हो जाएगा। तो ए प्लस बी का अगर अपन रैशनलाइजिंग फैक्टर देखें तो रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज क्या आ जाएगा, इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा ए क्यूब माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ए की वैल्यू क्या आ गया, ए की वैल्यू 5 की पावर 1 बाई 3 और बी की वैल्यू क्या आ गया, 5 की पावर माइनस 1 बाई 3, तो ये ए और बी की वैल्यू हो गया। और ए माइनस ए प्लस बी का यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर अपन देखें तो उसको अपन इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर अपन देखें तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 5 की पावर 1 बाई 3 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा 5 की पावर 1 बाई 3 इंटू में 5 की पावर माइनस 1 बाई 3 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि पावर पे अगर पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, पावर पे पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बाई 3 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे पावर को 1 बाई 3 प्लस में माइनस 1 बाई 3 और प्लस में यहाँ पे पावर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 2 बाई 3। ये बेसिकली इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा 5 की पावर 2 बाई 3 और ये क्या आ जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 जीरो, 5 की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर माइनस 2 बाई 3, तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। बेसिकली जो गिवन एक्सप्रेशन है 5 की पावर 1 बाई 3 प्लस 5 की पावर माइनस 1 बाई 3 उसको अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है।